अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर चर्चिल की बुक से एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज हम सेक्शन नंबर 5 एक्सरसाइज 10 करेंगे। इसके अंदर हमें क्या एक्सरसाइज दी गई है, हमें एक 4th रूट की इक्वेशन दी गई है जिसको हमें 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। और सेक्शन 4 के अंदर जो हमें इनइक्वालिटी 8 दी गई थी, हमें उसको यूज करते हुए इसके फैक्टर्स बनाने हैं और वो इनइक्वालिटी इसके अंदर अप्लाई करनी है। देन हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास z है वो हमारे पास एक सर्कल में लाइकर है कि उसका मॉडुलस जो है वो 2 है। आपको पता है कि अगर मॉडुलस इक्वल्स टू 2 हो तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल्स टू द 2। यहाँ पे हमें ये इनइक्वालिटी जो है वो फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज देखते हैं जो हमें सेक्शन 4 में दी गई थी। क्या थी? 7 इनइक्वालिटी थी हमारी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, और 8 पे हमने उसको मजीद मॉडिफाई किया था। तो यहाँ पे मैं अपनी ये 4th रूट जो मुझे 4th फॉर्म के अंदर ये एक इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के अंदर। तो मैंने इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई की है। आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखिए 3 और 1 को मैं ऐड करती हूँ तो 4 बनता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 ही आएगा। ये मैंने अपने फैक्टर्स बनाए। यहाँ से कॉमन लेने के बाद जो मेरे फैक्टर्स बनते हैं वो z² - 1 एंड z² - 3 बनते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मॉडलों की फॉर्म के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, हमें बोथ साइड पर मॉड अप्लाई करना होगा। मॉड अप्लाई करने के बाद हमारी क्या प्रॉपर्टी थी, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते थे हमारी ये प्रॉपर्टी होती थी। हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मॉडलो हमारे पास सेपरेट आएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस जो हमारे पास ये पार्ट्स आ गए z² - 1 z² - 3, हमें इसके ऊपर अपनी ये इनइक्वालिटी नंबर 8 यूज करनी है। क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स की हमारे पास साइन आ रहे हैं। ओके, अप्लाई करते हैं। z² - 1 मॉडलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू z² मॉडलो -1 मॉडलो ओवरऑल होल मॉडलो। 1 का मॉडुलस हमारे पास 1 ही होता है। z² के लिए हम अपनी पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पावर की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद z mod की वैल्यू चाहिए जो कि हमें गिवन है कि 2 है। हमने वो वाली वैल्यू इसके अंदर फॉर्म पुट कर देती हूँ। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। ये क्या फॉर्म बन गई, z² - 1 मॉडलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसी तरह से हमें z² - 3 के लिए करना है। हमने अपनी इनइक्वालिटी 8 यूज की, देन हमने अपनी पावर वाली प्रॉपर्टी यूज की, हमने अपनी मॉड की वैल्यू पुट की। 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने ये दोनों वैल्यूज जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपको पता है कि ये दोनों साइन ही ग्रेटर देन के हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ये ओवरऑल मॉडलो जो है वो 3 से ग्रेटर है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये लेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1/3 के लिए ही आए। वो कुछ भी आ सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। अब आपने याद रखना है कि जो हमारे पास 1/3 है वो हमारे पास 1/2 से लेस होता है। 1/3 1 से भी लेस होता है। तो एजम्पशंस के ऊपर हम इसको आगे मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।